हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विद्युत विश्वास एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम ऑफ स्टॉक मार्केट बाय विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स, मेरे को जैसे हर वीक आप लोगों के लिए एक दो कंपनी मैंने वीकेंड पे शेयर करता हूँ वीकेंड स्टडी के लिए। मेरे को जो कंपनी अच्छा लग रहा है और लगता है पार्टनर अच्छा मूव दे सकते हैं, मल्टीवेकर बन सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ उसका पूरा डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। और थोड़ा बहुत जो टेक्निकल मेरे को मिलते रहता है, जैसे मैं एक दो चीज तो टेक्निकली देखता हूँ, जो मतलब फंडामेंटली देखता हूँ, जैसे डेट फ्री है यानी कंपनी मतलब अच्छा है, यानी ग्लोबल प्रेजेंस कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वो कंपनी को आप लोग जानते हो, यानी ये सब चीज थोड़ा बहुत देखता हूँ। मैं बहुत ज्यादा फंडामेंटल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो टेक्निकल मेरे को अच्छा लग रहा है, तो पहले तो टेक्निकली मैं देखा था। पहले फ्रेंड्स, आगे मतलब बढ़ने के पहले आप लोगों को एक चीज मैंने बता देना चाहता हूँ, मैंने जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो सब लर्निंग पर्पस के लिए है, ये मतलब आप लोग थोड़ा इससे सीख पाओ, क्योंकि फ्रेंड मैं अगर इधर स्टॉक बोल रहा हूँ वो स्टॉक में आप एंट्री कर रहे हो, आप लोगों को उसमें कन्विक्शन नहीं रहेगा आप लोग अगर खुद लर्निंग नहीं करोगे तो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो आप लोग लर्निंग करो, सीखो मेरा जितना शेयरिंग से, देखो क्यों मेरा स्टॉक, मैंने जितना पुराना स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया सारे कैसे ब्लास्ट करता है, तो उससे आप लोग सीखो, तो सीखे मतलब तो खुद देखना एक आप लोग भी खुद स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक एंड शेयर कीजिए आप लोगों को फ्रेंड्स के साथ। और दूसरा जो है, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो तो अच्छा लग रहा है मेरे को, आप लोग फॉलो कर सकते हो, आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। उस जगह पे मैंने बहुत सारे लर्निंग एक्टिविटी करता हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा वो मतलब उस जगह पे लर्निंग एक्टिविटी, फ्री क्लास, ईच एंड एवरीथिंग, और बीच बीच में कोई स्टॉक लर्निंग के लिए शेयर करता हूँ, तो आप लोग उस जगह पे ज्वाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स, अभी मतलब चालू करते इस जगह पे। सर, इस जगह पे अगर देखेंगे, देखो एक बहुत बड़ा एक मतलब कंसोलिडेशन इस जगह पे था और उस जगह पे ब्रेकआउट देके निकला था, तो उस जगह से ट्रेंड चालू हुआ था, तो एक बड़ा ट्रेंड उस जगह से चालू हुआ था। वो ट्रेंड कहाँ पे खत्म हुआ, देखो इस जगह से एक साइडवेज मतलब एक चैनल पे चल रहा था, चैनल ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, चैनल ब्रेकआउट दिया, मतलब इस जगह से एक नया ट्रेंड मतलब चालू हुआ। अगर इस जगह से मतलब ये जो ट्रेंड था, ये जो कंसोलिडेशन के वो ट्रेंड इस जगह पे खत्म हो गया, तो इस जगह से एक नया जीरो जैसे या तो ये जो वेव वन था वो खत्म हो गया, इस जगह पे वेव थ्री चालू हुआ और इस जगह पे मतलब वेब थ्री का वन कंप्लीट हुआ और वेब थ्री का टू इस जगह पे शायद कंप्लीट हुआ, वेब थ्री का थ्री चल रहा है शायद, मैंने क्योंकि इस जगह पे इस पॉइंट को तो ब्रेक नहीं किया तो मेरे हिसाब से वो काउंटिंग वैलिड है। और इस जगह पे अगर देखेंगे जिसे ये तीन साल के ऊपर कंसोलिडेशन, ये जो टॉप था इसको मतलब दो बार ब्रेक नहीं कर पाया, अल्टीमेटली इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके इस जगह पे कंसोलिडेशन मतलब देखो एक डोजी दिया, डोजी के बाद जब भी डोजी मिलता है, मैं पहले भी आप लोगों को बोला ये देखो एक बड़ा मूव है डोजी, उसके बाद ग्रीन डायरेक्शन पे से बड़ा मूव है, तो डोजी के बाद एक बड़ा मूव है। और सबसे बड़ा बात है इस जगह पे जो ब्रेकआउट दिया, देखो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहे, ब्रेकआउट के बाद और एक ब्रेकआउट मिलता है तो मैं बोलता हूँ वो बहुत अच्छा है, वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और वो बहुत ही ऊपर ज्यादा स्पीड से जा सकते हैं। तो इस जगह पे अगर देखेंगे देखो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट लगभग इस जगह के आसपास था, उसके बाद जो एक शॉर्टर टाइम का करेक्शन चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड लाइन इस जगह पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इस जगह पे एक सप्लाई जोन जैसे बना रहा था। देखो ये सप्लाई जोन का हाईएस्ट पॉइंट है, और ये लोएस्ट पॉइंट है। ये सप्लाई जोन को जो ब्रेक किया है, देखो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो गुड वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया ये सप्लाई जोन को, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे एक मतलब मंथली चार्ट पे एक अच्छा मतलब बड़ा ट्रेंड का जो कंफर्मेशन है वो मिलने के बाद नीचे थोड़ा करेक्शन हुआ और उसके बाद फिर से उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर हम लोगों को सेकेंड ब्रेकआउट मिला, तो वो बहुत अच्छा साइन होता है।
और मेरे हिसाब से ये तो शायद ऊपर जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को एनालिसिस गलत पड़ गया तो कहाँ पे हम लोगों को निकल जाना है, सेफर साइड पे आप लोग ये 461 पे इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो लगभग 14-15% के आसपास मतलब हम लोगों को एक स्टॉप लॉस के आसपास आएगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे फ्रेंड्स। तो ये जो है 459 के आसपास है। अभी थोड़ा फंडामेंटल देख लेता हूँ। फंडामेंटल मेरे को जो इस कंपनी का थोड़ा बहुत जो दिख रहा है मेरे को, ये मतलब प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बहुत ही इंडस्ट्रियल इस प्रोडक्ट, और ये क्या है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में यूज होता है। प्रोडक्ट भी जो है यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा कंपनी वो बनाता नहीं है। ये क्या बनाता है, जो एब्रेसिव बनाता है, जो सैंड पेपर टाइप का होता है, आप लोग देखा जे घर में कोई काम होता है या तो इंडस्ट्री में जो सैंड पेपर टाइप का एब्रेसिव होता है, या तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो एब्रेसिव यूज होता है, ये सब जो टाइप का है बहुत ज्यादा कंपनी बनाता नहीं है। और दूसरा है इसको रिफ्रैक्टरी का जो मटेरियल, मतलब जो फर्नेस स्टील इंडस्ट्री का और बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का फर्नेस होता है उसके लिए बहुत ही अलग तरह का मटेरियल चाहिए होता है। रिफ्रैक्टरी सिरामिक्स का वो होता है जो हीट एंड मतलब हीट रेजिस्टेंस, कोरोसिव रेजिस्टेंस और केमिकल रेजिस्टेंस होता है। और इलेक्ट्रो मिनरल्स इसका तीसरा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है और बहुत सारे ज्यादा कंपनी इसको बनाता नहीं है। और थोड़ा सा इसका अगर मैं वेबसाइट देखूंगा, देखो ये ओवर 6 डिकेड बिजनेस में है और 1000+ का प्रोडक्ट है इसको, 40+ कंट्री में प्रेजेंट है। हम लोगों को पता है इसको मतलब इंडिया और इंडिया का बाहर में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और इसको से मतलब इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा है, यूरोप अमेरिका में भी इसको अच्छा खासा बिजनेस है। ये ओवर 1 लाख हैप्पी क्लाइंट और 40+ कंट्री में मतलब प्रेजेंट है। ये DSIR और ISO सर्टिफाइड कंपनी है। तो इसको लेके इससे ज्यादा मेरे को फंडामेंटल पता नहीं है, पर थोड़ा सा मतलब प्रोडक्ट में जो है यूनिकनेस है, और थोड़ा सा इसमें मतलब दूसरा कंपनी के लिए एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा तीसरा जो है इसमें मैं जो हमेशा देखता हूँ जो कंपनी का डेप लेवल कितना है। डेप अगर रहेगा तो आपको एक बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट में हमेशा निकल जाता है। तो इंटरेस्ट में अगर कोई अमाउंट बड़ा अमाउंट निकल जाएगा हमेशा, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब इफेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली डेप भी है तो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इफेक्टेड नहीं रहेगा। अगर देखेंगे देखो इस साल तो इंडस्ट्री में स्लो डाउन था, तब भी अगर दिसंबर क्वार्टर से इस दिसंबर का देखेंगे एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट मतलब 20% के आसपास सेल्स ग्रोथ है, अच्छा 20% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ भी है, 50% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। और दूसरा जो है अगर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर में जितना आया 21% वो कभी नहीं आया, नेवर बिफोर, लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। और दूसरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे इस साल मतलब अच्छा खासा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। और थोड़ा देखेंगे देखो इस जगह पे मतलब रिजर्व जो है 2000 करोड़ के ऊपर है, उसके सामने 62,000 करोड़ का ओनली डेप्थ है जो बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये डेप्थ की कंपनी है, इसका प्रोडक्ट मतलब अच्छा है, सेगमेंट जो है उसमें एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है और ये कंपनी ग्लोबली प्रेजेंस है, इसको अच्छा खासा कस्टमर्स है। तो मैं फंडामेंटली अच्छा ही बोलूंगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स खत्म करने के पहले एक चीज, मैंने जितना शेयर किया आप लोगों के साथ लर्निंग पर्पज के लिए शेयर किया, इसको आप लोग मतलब लर्निंग पर्पज के लिए यूज करो, और इसमें एंट्री करना है तो आपका खुद का स्टडी भी करो, उसके बाद अगर आपको कॉन्विक्शन आए तब आप लोग एंट्री करना। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।